राम राम भाई सभी को। सुबह बच्चों को बर्फ में डाले तो बहुत सारे कमेंट आ गए थे, बोले सर बर्फ में ठंड लग जाएगी, तो अभी ठंड उड़ाने का सामान बना रहे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी बच्चों के लिए कर रहे हैं भाई बढ़िया सा दूध गर्म, और वो भी उसका पूरा ऐसे निचोड़ के उकाल के फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा ये है अपना क्या बोलते हैं इलायची, केसर और बादाम। तो उनकी जो सुबह जो ठंड लगी है ना वो इंजन वो भी उनका गर्म कर देंगे भाई। ये देखो दूध की खुशबू आने लगी है, जैसे दूध ज़्यादा उबलने लग गया ना तो अब उसकी भाई खुशबू आने लगी है। अब दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा भाई, ताकि अभी दिल खुश हो जाएगा। अभी लड़कों के लिए सरप्राइज है ये, उनको नहीं पता है, सभी के लिए सरप्राइज है ये। इसके साथ में एक चीज़ और भी है, वो आपके लिए भी सरप्राइज है, अभी आगे दिखाएंगे आपको भी। बहुत दिन हो गए ना बनाया नहीं खाने का वीडियो, आप बोलते हो बनाते नहीं सर, आज बना देते हैं भाई। तो अभी एक आपके लिए भी सरप्राइज दिखाएंगे आगे। चलो भाई इसमें सबसे पहले डालते हैं इलायची, दिखा भाई जरा। सबसे पहले जाएगी इसके अंदर इलायची, तो इसका थोड़ा स्वाद हो जाएगा अलग ही। फिर इसके अंदर डालते हैं केसर, ताकि और ज़्यादा आनंदित हो जाएगा मामला। केसर भी भाई बड़ी शानदार है ये, दाने दाने में दम केसर का, वो जो केसर बताते हैं ना तुमको दाने दाने में दम, उसमें नहीं है, ये है केसर। इसको खोलना है, भारी हो गया, अभी खोलते हैं। चलो ऐसे कुटकी है भाई ये देखो दाने दाने में केसर का दम, वो इसमें है उसमें नहीं है, ध्यान रखना। और ये खुल गई भाई, ये देखो ये एक नंबर केसर है, एक ही नंबर केसर है। और ये भाई केसर इसके अंदर, और अब इसके अंदर डालते हैं बादाम। ओ शाबाश, ये लो जी ये है बादाम चूरा। अब आ जाएगा दूध का मजा। अब देखना एक नंबर मामला बैठ जाएगा अभी। अब थोड़ी ही देर घोटते हैं इसको बढ़िया से, और ये सरप्राइज है लड़कों के लिए भाई, पता नहीं है उनको यार उनके लिए केसर वाला दूध तैयार हो रहा है, और वो भी मेरे हाथों से। जिस दिन थोड़ी पिटाई ज़्यादा हो जाती है ना उस दिन थोड़ा सा खुश करने के लिए मामला देना पड़ता है। वैसे पिटाई नहीं हुई है, ये तो ऐसे सर्दी का मौसम है, इस वजह से थोड़ा सा उनका दिल खुश करते हैं। अब थोड़ी इसकी आंच धीमी करते हैं। चले भाई देख लो दूध तैयार हो गया। अब देखो दूध उबल के इस प्रकार का हो गया ये, अब केसर वेसर ने सब ने अपना काम कर दिया। ये देखो दूध एक ही नंबर अब काम हो गया, तो अब इसको कर देते हैं बंद। अरे आप देखो क्वालिटी, मैं बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा लड़कों का। ये देखो थोड़ा नज़दीक से दिखा भाई, ये देखो भाई केसर का रंग, फिर दूध का उबाल, खुशबू आ रही है भयंकर। अब खुशबू तो मैं आपको कैसे ही बताऊँ, बाकी आप देखो। और इसके साथ में जो सरप्राइज है ना वो भी अब मंगा लेते हैं। चलो भाई इनको लड़कियों को सुबह सुबह डाला था बर्फ़ में जाने वालों में, जो नाम था इनका ना, गए थे ना बर्फ़ में, उसी के लिए गर्म कर रहे हैं वापस। चलो हाँ प्रभु, ये नहीं गई थी बर्फ़ में लेकिन फिर भी गर्म तो कर ही देते, दूध अच्छा है। कहाँ तुम दोनों का, दोनों अरे फ्रेंड है ये, दोनों एक साथ गई थी बर्फ़ में, पता नहीं है हैं। लो भाई, और तुमने गिलास भी साथ में ले रखा, जॉइंट है ना, तभी एक दूसरे को बर्फ़ में डुबो रही थी भाई ये। अंशु जी नहीं 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 नहीं, लो भाई ए सुबह जो बर्फ में कौन कौन गिरा था, लड़के लगभग लगभग सारे गिर गए थे भाई। हाँ तो सुबह ठंडे हुए थे, उनको अभी गर्म कर देंगे। तू भी बर्फ में था सर? बर्फ में थे? हाँ ओके, वो आवाज नहीं देखे, जल्दी जल्दी गर्म कर। वेद प्रकाश कहाँ का रहने वाला है? जोधपुर। सुबह ठंडा हुआ था क्या तू? नहीं कोई बात नहीं, अगली बार बारी। क्या नाम है लाडले? प्रेम सिंह। कहाँ का रहने वाला है? जालौर। जालौर में? सायला।
पलीटे डबल ले रखा बेटा। साहिल है दोस्त की भी। हाँ क्या नाम है? दिलीप। कहाँ का रहने वाला है दिलीप? नागौर में। हाँ सोर बकरी नजदीक आई है। आ जा आ जा, मुझे लगता है तुम्हारे जलेबी डबल आ जाएगी भाई। पहले थोड़ी मात्रा कम दे रहा है, ध्यान रखना, जाना मत, हो सकता है दोबारा हाथ आए तुम्हारे। आहा, ये सबसे पहले गया था बर्फ में, सबसे पहले गया था ना। क्या नाम है लाड़े? ये सरप्राइज था भाई इनके लिए, इनको पता नहीं था। अरे पता तो नहीं था कि पता चल गया था? पता था। हाँ मैं सोचा ये कैसे पता चल गया भाई, ये सरप्राइज है भाई इनके लिए। सुबह इनको सरप्राइज ली, फिजिकल किया था इनका, उसका सुबह वाला पता थोड़ा ना था तुमको बर्फ का, तो देख लो अभी वाला भी पता नहीं चलने दिया भाई। क्या नाम है प्रभु? क्या नाम है? सुशील गोस्वामी। किसकी तैयारी कर रहा है? ओके।